आज हमने एडीपी एवरीडे साइंस में सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ने हैं। देयर आर सेवन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विच आर स्केलेटल, मस्कुलर, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम्स। स्टूडेंट्स, इसमें से जो पहले वाला सिस्टम है ये कॉम्प्रीहेंसिव है, ये ज़रा डिटेल में है और थोड़ा टेक्निकल है। इसको मैं एक अलग वीडियो में स्टडी करूँगी और उसकी अलग वीडियो बनाऊँगी। जो बाकी रिमेनिंग है सेकेंड से लेके सेवन तक, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें पहले देखते हैं व्हाट इज़ मस्कुलर सिस्टम। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पट्ठों का निज़ाम है उसको मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। हमारी जो हड्डियाँ हैं उनके गिर्द या तो वो गोश्त से ढुपी हुई हैं या फिर मसल्स से। द बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर ऑल सराउंडेड बाई मोर और लेस फ्लैश और मसल। ईच मसल इज़ कम्पोज ऑफ बंडल्स ऑफ फाइबर्स कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड रिक्वायर्ड। हर जो मसल है, हर जो पट्ठा है, उसके अंदर फाइबर्स हैं जो सुकड़ने की सलाहियत रखते हैं। मसल्स बेटे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वॉलंटरी और एक होते हैं इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मसल्स हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं उनकी मूवमेंट को, जैसे हमारे जो चेहरे के मसल्स हैं, हमारी जो टांगों और बाजुओं के मसल्स हैं, हमारी बॉडी के वो वाले हिस्से जिनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, उन मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। जबकि इनवॉलंटरी मसल्स हमारे दिल के जो पट्ठे हैं, हमारे स्टमक के जो पट्ठे हैं, वो हमारी मर्जी के बगैर हरकत कर रहे हैं, तो ऐसे मसल्स को इनवॉलेंटरी बोलते हैं। अब जैसे हमारे हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स जो हैं वो हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमारी हार्ट बीट के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये हमारे इनवॉलेंटरली मूवमेंट हो रही है हमारे अंदर। स्टमक की जो हरकतें हैं या जो स्टमक की मूवमेंट है, स्टमक के मसल्स की, दैट्स ऑल्सो इनवॉलेंटरी। आगे उन्होंने यही बताया हुआ है कि द फॉर्मर आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल वाइल द लेटर आर नॉट। ठीक है, या आप यहाँ तक खुद रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है दोज मसल्स विच मूव द बोन्स आर कनेक्टेड विद देम बाय स्ट्रॉन्ग वाइट फाइबरस मैसेज आर कॉल्ड टेंडन्स। जो मसल्स हैं वो अपने साथ जो जुड़ी हुई हड्डियाँ हैं उनको मूव करते हैं स्मॉल फाइबरस मासेस के साथ, जिन्हों टेंडन्स बोलते हैं। और हमारी बॉडी की जो इरेक्ट पोजिशन है वो मसल्स जो एक वक्त हरकत कर रहे हैं उनकी मूवमेंट की वजह से है। तो ये लास्ट लाइन आप बेशक स्किप कर दें लेकिन टेंडन्स तक आपने लाजमी करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम नाम से ही जाहिर है कि खुराक को हजम करने में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग सिस्टम एंड इन्वॉल्व माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये ऑर्गन्स हैं, वो वाले ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। अब सबसे पहले इधर से हम शुरू करेंगे। सलाइवा, देखें जब भी हम खुराक खाते हैं तो हमारे माउथ में सबसे पहले स्टार्ट होती है। दांतों के ज़रिए हम खुराक को चबाते हैं और चबाने का अमल जो है वो हमारे माउथ के अंदर स्टार्ट होता है। और सलाइवा उस च्यूइंग में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। थूक की मदद से जो खुराक है उसको चबाने का अमल आसान हो जाता है। सलाइवा इज़ एन अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेटेड इन द माउथ एंड द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। उसके बाद ओसोफेगस हलक को बोलते हैं, खुराक की नाली को बोलते हैं। द ओसोफेगस इज़ द नैरोएस्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद स्टमक में जाती है फूड ओसोफेगस से। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय द स्टमक इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट, पेप्सिन एंड वाटर। जो गैस्ट्रिक जूस स्टमक में रिलीज होता है उसमें HCl है, नमक है, पेप्सिन है, एंजाइम है एक प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, और पानी होता है। द चेंजिंग ऑफ फूड इनटू काइम। अब वो जो खुराक हमने खाई है चबाने के बाद जो कन्वर्ट हो जाती है इनटू सॉफ्ट मास उसको काइम बोलते हैं। बाय द गैस्ट्रिक फ्लूइड इज़ कॉल्ड काइमिफिकेशन। ये अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है। अच्छा, खुराक को फूड से काइम में बदलने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद खुराक जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर अल्टीमेटली इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। मसल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन डाइजेशन। और मसल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बेटे आप यहाँ तक कर लें, सिर्फ डाइजेशन तक करें, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल यानी कि यूरिन को एक्सक्रीट करता है। और कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है एक्सक्रीटरी सिस्टम में? किडनीज जो हैं वो मेन ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। गुर्दे जो हैं वो हमारी बॉडी से वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज सैनिटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट कंप्राइजेज द किडनी, स्किन, लंग्स एंड बोल्स। The system is designed to help get rid of the waste matter in the body when all juices have been extracted from the digestive food. अब जो खुराक हम स्पेशली जो लिक्विड फूड हम लेते हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए वो डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी रिमूव करती है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम।
लंग्स का क्यों शुमार किया जाता है? लंग्स को इसलिए क्योंकि वो भी हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाती है। लेकिन जो मेजर किरदार है एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो किडनीज का ही है, गुर्दों का है। द किडनीज टू इन नंबर आर इंपॉर्टेंट ब्लड प्यूरीफायर्स। किडनीज जो है हमारी बॉडी से अमोनिया को यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट करवाती हैं, यूरिक एसिड को, यूरिया को, लिहाजा दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लड प्यूरीफायर्स। खून को साफ करती हैं। दे सेपरेट अ पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द ब्लड। उसके बाद पांचवा जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ्फुस को बोलते हैं। दिस सिस्टम कंप्राइजेज द लंग्स। जो लंग्स हैं फेफड़े वो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके अलावा लैरिक्स, लैरिक्स विंड पाइप को बोलते हैं, आवाज़ की नाली को, ट्रैकिया। लैरिक्स जो है वो एक्चुअली वॉइस पाइप है, साउंड पाइप है जिससे आवाज़ निकलती है। ट्रैकिया विंड पाइप है, सांस की नाली को हम ट्रैकिया बोलते हैं। लैरिक्स और वॉइस बॉक्स इज नॉर्मली नोन एज एडम्स एप्पल एंड कैन ईजिली बी फेल्ट इन द थ्रॉट। ये जो वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिक्स है इसकी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद द लंग्स आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेशन। दे कंसिस्ट ऑफ टू इलास्टिक स्पॉन्जी मासेस। ह्यूमन बॉडी में दो देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स यानी कि टू लंग्स हैं। दे कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एयर कैविटीज एंड आर रिचली स्पायर्ड विद blood vessels and are richly supplied with blood vessels. It is in the lungs where the blood is aerated by being brought in contact with the air we breathe. Lungs mein air cavities wo jagah hai jahan pe their exchange between oxygen and carbon dioxide occurs. Air cavities wo jagah hogi jahan pe oxygen jo hai wo absorb hogi aur carbon dioxide gas release hogi. उसके बाद सिक्स सिस्टम है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा ब्लड का फ्लो होता है। द सिस्टम कंप्राइजेज द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। आर्टरीज कन्वे ब्लड टू द फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से साफ खून पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। दे डिवाइड एंड सब डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर माइन्यूट वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती हैं स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल ब्रांचेज में, जिनको कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज मिलकर फिर वेंस बनाती हैं। बाय द जंक्शन ऑफ दीज लार्जर एंड लार्जर वेसल्स आर फॉर्म। यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ तक करेंगे। द कैपिलरीज यूनाइट फॉर्मिंग स्मॉल वेंस। वेंस तक करना है आपने, उसके आगे मत कीजिएगा। उसके बाद फिर आप इधर से करेंगे। वेंस ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। वेंस में एक्चुअली गंदा खून होता है तो वो गंदा खून दिल तक पहुँचाया जाता है ताकि दोबारा उसे साफ किया जा सके और फिर बॉडी के वेरियस पार्ट्स में आर्टरीज के जरिए पहुँचाया जा सके। एंड कैपिलरीज कनेक्ट द स्मॉल आर्टरीज एंड वेंस टुगेदर। ये यहाँ तक करेंगे बेटी। ये वाली जो लाइन मैंने स्किप करवाई हैं वो कर लीजिएगा। लास्ट जो सिस्टम हमने करना है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह के होते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का कनेक्शन डेवलप होता है। तो सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंस इट कमांड्स रेस्ट ऑफ द बॉडी व्हाट टू डू एंड हाउ टू वर्क टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी को। वाइल द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसाइड्स इन द स्कल एंड द स्पाइन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हैं। ब्रेन हमारे स्कल में है और स्पाइनल कॉर्ड हमारे स्पाइन में है। द नर्व्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी में नर्व्स का गुच्छा है। नर्व्स दैट कैरी द मैसेजेस टू द ब्रेन आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। ब्रेन तक पहुँचाने वाली मैसेज पहुँचाने वाली नर्व्स को सेंसरी नर्व्स बोलते हैं और जो ब्रेन से मैसेज लेकर मसल्स तक आती हैं उनको मोटर नर्व्स बोलते हैं। तो ये मेन एक उन्होंने फ्रेमवर्क दिया है, बहुत ही मैंने कंसाइज इस वीडियो को बनाया है। ये न्यूरॉन की उन्होंने डायग्राम बनाई है। ये अगर आप नेट पर सर्च करें तब भी आपको मज़ीद क्लियर डायग्राम मिल जाएगी, वरना इधर भी नॉर्मल सिंपल उसमें बनाई हुई है। तो ये आपने लाजमी करनी है।